हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का एक ऐसे चैप्टर के माइंड मैप में जो कि धमाकेदार चैप्टर है। फ्री के नंबर मिल जाएंगे अगर सारी की सारी बातें आपने दिमाग में रखी, अगर सारी की सारी बातें बिल्कुल पेन तक आने तक आपके पास रखी हुई हैं। और वो कब होंगी? जब ये माइंड मैप आपके पास होगा। इस माइंड मैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस माइंड मैप को मैं पूरी तरीके से आपके सामने रख दूंगा। आपको पूरे के पूरे चैप्टर में एक टर्म ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैप्टर का वन शॉट देखना चाहते हैं, अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आई बटन पर क्लिक करें, क्योंकि वहां पर सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, मैथ्स के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट एंड माइंड मैप आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आप लोगों को मिल जाए वन शॉट, माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोगों को जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए। रुक जाओ, वो थोड़ी देर में कर लेना, पहले माइंड मैप समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, माइंड मैप की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसको अगर आप इस तरीके से देखेंगे, किसी भी चीज के होने की बहुत सारे कुछ चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर आप एक डाई फेंकते हैं तो 1 आने का भी चांस है, 2 आने का भी चांस है, 3 आने का भी चांस है, 4 आने का भी चांस है, 5 आने का भी चांस है, 6 आने का भी चांस है। लेकिन मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, तो आपका सिर्फ एक फॉर्मूला काम आना चाहिए, फेवरेबल अपॉन में टोटल, यानी कि फेवर मेरे फेवर में। अगर मैं बात कर रहा हूं इवन नंबर्स की, तो 2, 3, 2, 4 और 6 ये मेरे फेवर में है, क्योंकि मैं इवन की बात कर रहा हूं। तो ऊपर ऊपर रख दूंगा मैं मेरे फेवर वाले यानी 3, और अपॉन में मैं रख दूंगा जो टोटल है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6। तो 3 अपॉन में 6 यानी कि 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, दैट्स इट। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी। लेकिन अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी भाई क्या क्या हो सकती है। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या प्रोबेबिलिटी 0 से कम हो सकती है यानी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्या प्रोबेबिलिटी अब 0 से 1 के तक ही रहती है? बिल्कुल रहती है, 0 से 1 तक रहती है, कभी इसके इधर नहीं जाएगी, कभी इसके इधर नहीं जाएगी। ध्यान रहे, फॉर्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी का। लेकिन सबसे पहले अब बात करेंगे आप सभी लोगों से हम लोग कुछ सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है अगर मैंने एक डाई फेंकी है तो उसके क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक कॉइन फेंका है, तो अगर वहां पर मैं बात करूंगा तो आप लोगों के पास क्या आ सकता है? या तो हेड या तो टेल। अगर मैंने 2 कॉइन फेंक दिए तो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। बात समझ में आई? यही आ रहा है। अगर डाई के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं, इसके बाद आपको सैंपल स्पेस के बारे में पता चल चुका है। लेकिन दूसरी टर्म आती है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का मतलब होता है जो जो एलिमेंट इसके अंदर आए हैं, यानी कि ये एक सैंपल स्पेस है लेकिन इसके अंदर एच जो है वो क्या है? सैंपल पॉइंट। एच टी क्या है बच्चों? सैंपल पॉइंट। एच एच क्या है बच्चों? सैंपल पॉइंट। टी टी क्या है? सैंपल पॉइंट। एच टी क्या है? सैंपल पॉइंट। टी एच क्या है? सैंपल पॉइंट। बात समझ में आई? इसी के साथ अगला पॉइंट आता है बच्चों इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब यह होता है जैसे कि अगर मैं आपके पास सामने एक डाई फेंक दूं, मैं आपसे पूछूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बताएंगे मेरे फेवर में अगर 1 है और टोटल 6 आउटकम है तो 1 अपॉन में 6। अगर मैं बोलूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 2, 1 है, एक आउटकम मेरे फेवर में है जो कि 2 है, एक आउटकम है मेरे फेवर में तो 1 और टोटल कितने 6, तो 1 अपॉन 6। ऐसे ही 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6। 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6। 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6। 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इसी तरीके से जितने भी आउटकम है यानी कि जितने भी सैंपल पॉइंट है, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो इसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, जितने भी सैंपल पॉइंट दिए जाते हैं अगर उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। या फिर अगर आपसे किसी ने कह दिया कि इक्वली लाइकली है तो आप ये मान जाइए कि उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। और सैंपल पॉइंट के जितने भी सैंपल पॉइंट दिए होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है बच्चों? 1। सबका मालिक 1। आगे की तरफ इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे कि आपका ग्रुप उसमें लड़की ढूंढना इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपके ग्रुप में कोई लड़की नहीं है, इसी वजह से मैं आपके से कह रहा हूं इट इज इम्पॉसिबल केस। और जैसे मेरे ग्रुप में भी कभी कोई लड़की नहीं रही, तो इस ऐसे में ही हम लोग यहां पर बात करेंगे। और श्योर इवेंट, लड़कियों के ग्रुप में लड़की कन्फर्म है भाई, कन्फर्म है। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं इम्पॉसिबल क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, तुम घर पे गए, मम्मी मुझे 500 का नोट दे दो, क्या है ये? इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा, चांटा पड़ जाएगा। और श्योर, मम्मी मुझे 5 रुपए दे दो, वो श्योर है, वहां पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मतलब श्योर का मतलब ये है कि जो आपको हो गई होगा कोई डाउट नहीं है। श्योर की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी अंडा। अगर मैं बात करता हूं सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट यानी कि एक ऐसा ट्रायल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आ रहा हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं
कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पर सिर्फ हेड आ रहा हो एक कॉइन को उछालने पर, तो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें, जैसे यहां पर सेट बनाया हमने, कम से कम दो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, मतलब जय वीरो वाला अगर मैं सिक्का लेकर के आऊं जिसमें दोनों तरफ हेड है, तो वहां पर क्या आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और सिर्फ जब एक एलिमेंट आता है तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंपल सिंपल इवेंट। और कंपाउंड जब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर ये क्या है, कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा देखने को मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बताइए मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप तो हेड की प्रोबेबिलिटी बता देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि हेड को छोड़ करके बाकी सारी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि हम लोग याद करो चैप्टर नंबर 1 में सेट में हम लोग क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सेट, यानी कि जो सेट दिया जाता था उसको छोड़ करके बाकी सारा हमारा आंसर होता था, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। इसके बाद बच्चों हम लोग कूदते हैं यहां पर, थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दो सेट के बीच में क्या क्या होता है। देखो भाई, ये जो मैंने ए और बी दो सेट बनाए हैं, इसका मतलब यह है कि दो इवेंट हुए हैं। जैसे कि दो इवेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने एक डाई फेंका, तो एक मैंने इवेंट बना दिया कि वहां पर आ गए आपके पास इवन नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने एक डाई फेंका, तो मैंने इवन बना दिया बच्चों कि आ गए आपके पास इवन नंबर। इवन नंबर दो भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा और पांच भी हो जाएगा। मैंने एक E2 बना दिया बच्चों, वो क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया इवन नंबर आएंगे। ये वाला क्या था बच्चों, प्राइम वाला था, और मैंने आपसे बोल दिया क्या आ जाएंगे बच्चों, इवन नंबर आ जाएंगे। इवन नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों, 2, 4 और 6। अब बच्चों मैं अगर आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, या इन दोनों में से कोई सा भी हो जाए, यानी कि और मुझे एलिमेंट चाहिए, या तो इसके आ जाए या इसके आ जाए। और का मतलब होता है एलिमेंट उठना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है इन दोनों में से कोई सा भी हो, और का मतलब होता है। अगर मैं बोल दूं एंड, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, तो वो सिर्फ दो होगा बच्चों। यानी कि जब कभी भी और की बात आती है तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 का यूनियन यूज करते हैं, जब कभी भी एंड की बात आती है तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 का इंटरसेक्शन यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर कभी भी दो इवेंट दिए जाएंगे, दो अलग अलग सेट बनेंगे आप लोगों के पॉसिबिलिटीज के, तो वहां पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंप्लीट ए और बी का, तो दोनों को शेड कर दिया। अगर सिर्फ ए एंड बी चाहिए तो इंटरसेक्शन निकाला, अगर ए नॉट बी चाहिए तो सिर्फ ओनली ए वाला सेक्शन मैंने शेड किया, अगर ओनली बी वाला चाहिए यानी कि बी नॉट ए चाहिए तो मैंने ये किया। अगर आपको ए और बी छोड़ करके बाकी सारा चाहिए, मतलब कि ना तो प्राइम चाहिए ना इवन चाहिए, तो कौन से आ गए, ना इवन चाहिए ना प्राइम चाहिए, तो कौन से आ गए, बोलो 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 बोलो, तो बच्चों आपके पास सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के मेरा कहने का जो मकसद था वो ये था कि अगर कभी भी बोला जाए दो इवेंट बन गए हैं, तो अगर वो बोल रहा है या तो ये या तो ये, या फिर वो बोल रहा है कि यूनियन बता दो इसका, तो क्या हो जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी। अब यूनियन में तो डायरेक्टली आप कर सकते हो ना, पी यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी नॉट ई, मतलब कि अगर किसी की नहीं निकालनी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है किसी का, तो 1 माइनस PE कर दो, यानी कि 1 में से जो जिसकी जिसको छोड़ करके बाकी सारी प्रोबेबिलिटी निकालने, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, बाकी सारी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी मैं पहले समझा देता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। ये सेल चल रही है आप लोगों के लिए अमेजोन पर एक्सक्लूसिवली, ये फोन आपको मिलेगा हमारे अमेजोन पर एक्सक्लूसिवली, मतलब कहने का मतलब बस इतना है, किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा है। ये गाना आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ गाना ऐप पर, ये वेब सीरीज आपको मिलेगी सिर्फ नेटफ्लिक्स पर, नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि कहने का मकसद यह है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मतलब दो चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होंगे। यानी कि जैसे दो सेट आपने ये वहां पर बनाए, इन दोनों में कॉमन एक दो आ चुका है, लेकिन अगर मैं इसमें इवन और ऑड बना देता, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर बच्चों मैं इसमें क्या कर देता, इवन और ऑड बना देता, अगर मैं 1, 3, 5 लिख देता एक इवन, और अगर बच्चों में एक E2 कर देता 2, 4, 6, तो बच्चों बताओ इन दोनों में क्या कॉमन होता, कुछ भी नहीं, कद्दू। तो अगर नहीं मिलता बच्चों, तो ऐसे में हम बोलते कि ये दोनों आपस में, दोनों के दोनों इवेंट आपस में क्या हो गए बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन, ओके। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अलग अलग इवेंट्स हैं आपके, लेकिन अगर जब आप उनको यूनियन करते हो, तो उन दोनों का यूनियन करने पर आपका जो मेन सेट था, जो सैंपल स्पेस था, उसी के बराबर आ जाए। यानी कि ये जो सैंपल स्पेस था, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 3-4 सेट बना दिए, लेकिन उन सबका जब यूनियन कर रहे हैं, तो फाइनली आपके पास जो आपका जो बड़ा वाला, जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी, वही आ जाए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। लेकिन अगर आप लोग सोच डर रहे हो इन सबको सुन करके, तो इसके ऊपर बेस्ड भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आई बटन पर क्लिक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इवन मैंने यहां पर इसके सेट वाले से रिलेटेड तो बनाए हैं प्रोबेबिलिटी, आपको मैंने एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के ऊपर भी अलग से क्वेश्चंस बनाए।
तो अगर आप लोग वो क्वेश्चंस देख लेंगे देन डेफिनेटली आप लोगों को मजा आ जाएगा और भी बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बच्चों बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कार्ड्स वाले में समझने में, और एटलीस्ट और एटमोस्ट में भी आती है, वो भी समझाऊंगा। कार्ड्स में सिस्टम क्या होता है, कार्ड्स में होते हैं चार सूट। पहला होता है हार्ट, दूसरा डायमंड, स्पेड क्लब। हार्ट और डायमंड दोनों की दोनों महंगी चीजें हैं और खून पसीने से कमाई है, इसलिए भाई ये रेड है, बाकी जो बचा वो काला। तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले होता है किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, ठीक है। और ये चारों में होता है तो टोटल कितने होगा, तीन इसमें तीन, 3 × 12 तो टोटल होते हैं 12 फेस कार्ड। एस भी सब में होता है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे एस जो होता है वो फेस कार्ड नहीं होता, ठीक है। इसमें वन होता नहीं है, वन की जगह पर ए होता है। तो 2 से लेकर 10 तक की गिनती, 2 से लेकर 10 तक की गिनती, 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक। टोटल ये भी 13 होते हैं, ये भी 13। तो टोटल कितने हो गए, 52 कार्ड्स। क्लियर हो गई कहानी, डन है। फेस कार्ड पता चल गए, एस पता चल गए, हार्ट और डायमंड रेड है, स्पेड और क्लब ब्लैक है, सब कुछ डन है। इसके बाद बात करता हूँ एटलीस्ट और एटमोस्ट की। कम से आप लोगों से बोला था एटलीस्ट टू हेड चाहिए ही चाहिए, आपसे बोला जाता है एटलीस्ट टू हेड चाहिए। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये 2-3 बातें बता देता हूँ, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। उसके लिए इवन मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग एक काम कर लें कि जैसे आपके पास हेड है, ठीक है, हेड टेल हेड है आपके पास, और हेड टेल है आपके पास, टेल हेड है आपके पास, मान लो थोड़ी देर के लिए, और टेल है आपके पास, टेल हेड है आपके पास, तो कितने हो गए ये, 1-2 और यहाँ पे आ गया। तो अल्टीमेटली अगर मान लो मैं आपसे बोल दूँ एटलीस्ट टू हेड, और मान लो अगर मैं आपसे कह दूँ एटमोस्ट टू हेड, अब दोनों का देखो सीन क्या है भाई। इस बात को अगर आपको समझना है तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, काम खत्म हो जाएगा यहाँ पर। भाई देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड तो चाहिए, मतलब वो बॉटम लाइन बता देता है, ऊपर कितना भी जा सकते हो, मतलब कम से कम 2 चाहिए। 2 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर क्या है, 3 भी जा सकते हैं, है ना। तो 2 वाले हेड रखो यहाँ पर भाई, 2 वाले हेड तो बच्चों ये होंगे, इज इट ओके, और 3 वाले भी जा सकते हैं क्योंकि 2 से मैं, उसने बोला बस एटलीस्ट कम से कम 2 तो होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो। और एटमोस्ट का मतलब पता क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 होने चाहिए, नीचे कम तक आ जाओ जितने भी आ सकते हो, 2 से ऊपर मत चले जाना, 2 से ऊपर मत चले जाना। ये क्या बताता है, ये टॉप बता देता है, ये क्या बता देता है, ये बॉटम बता देता है, ऊपर कितना भी जा सकते हो, ऊपर खुला आसमान है, ये यहां तक बंद है। यहां पर ये क्या होता है बच्चों, ये ब्लॉक होता है यहां पर, ये यहां पर क्या होता है बच्चों, ये यहां पर ब्लॉक होता है, ये यहां पर क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो 2 तक जा सकते हो, यहां पर 2 तक आ सकते हो, तो 2 से ऊपर कितने हो गए, 2 और 3 2 है, 2 से नीचे कितने हो जाएंगे भाई। देखो अगर मैं 2 हेड की बात कर रहा हूं तो भाई देखो 2 हेड तो यहां पर भी होंगे, बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को, 2 हेड यहां पर भी होंगे, फिर उसके बाद अगर मैं 1 हेड की बात करूंगा तो बच्चों 1 हेड मैं यहां पर रख लेता हूं, 1 हेड बच्चों मैंने यहां पर रख लिया, अब मैं 0 हेड भी यहां पर रख लिया। अब देखो बच्चों ये एटमोस्ट 2 हेड होगा, ये एटलीस्ट 2 हेड हो गए। क्या ये बच्चों फंडा समझ में आया आप लोगों को, फंडा समझ में आया बच्चों आप लोगों को, क्लियर हो गया, डन हो गया। ये था बच्चों हम लोगों के पास हमारा वन शॉट तो आपके लिए अलग से बनाया है, आप लोगों का माइंड मैप। आई होप आपको माइंड मैप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों अगर इसको और डिटेल में समझना है, कोई टॉपिक अगर थोड़ा सा उलझ रहा हो, मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके लिए आप आई बटन पर जाइए और उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली देखिएगा, आपके एग्जाम में उनसे बाहर कुछ नहीं आना। दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हो बच्चों कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पूरा चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो वन शॉट, तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। एंड आई होप आपको माइंड मैप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।